आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। विधानसभा चुनाव की हमारी यात्रा हरदोई में है। हम लगातार हरदोई के अलग अलग जो विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं में जा करके यहाँ की समस्याओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रत्याशी चुने गए हैं राजनीतिक दलों की तरफ से, आखिर जब वो जनता के बीच जा रहे हैं तो उनकी समस्याओं को किस तरह से वो प्रत्याशी सुन रहा है और प्रत्याशी के लिए कितना प्रेम है जनता के अंदर। ये एक नज़ारा मैं आपको दिखाऊं, ये भीड़ देखिए, यहाँ से ये भीड़ शुरू होती है और पीछे काफ़ी दूर तक वो भीड़ दिखाई दे रही है। ये यहाँ की जनता है बालामो विधानसभा की और यहाँ पर ये अपने प्रत्याशी को सपोर्ट करने आए हैं। प्रत्याशी भी किस पार्टी का अगर मैं आपको बताऊं तो आप चौंकेंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के इस विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी बसपा बिल्कुल भी लड़ाई में नहीं है। लेकिन ये जो भीड़ आप देख रहे हैं इससे आप अनुमान लगाइए कि आखिर बसपा कितनी लड़ाई में है। हरदोई की बालामो विधानसभा सीट और तिलक चंद साहब को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। वो अभी जनता से रूबरू होने के लिए आए थे और रूबरू होने के दौरान उनके साथ इतना बड़ा जो अमला है, इतनी जो जनता है, यही जनता आने वाले दिनों में इस विधानसभा का फैसला करने वाली है। जुड़ते हैं उनसे। तिलक चंद साहब, मैंने इतनी भीड़ किसी के साथ नहीं देखी, क्या ये प्रेम है या फिर एक अलग ही बयार इस विधानसभा में या इस प्रदेश में चल रहा है? ये बालामो 160 विधानसभा में एक हवा चली है अब की बार बसपा सरकार। अच्छा। और विधायक तिलक चंद्र पासी। अच्छा। ये बालामो जनता अब की बता देगी कौन कितने पानी में है। ये जनता हमारी कोई किराए पर नहीं है, ये चुनाव हमको लड़ा रही, अपना पैसा खाना खर्च करती है। अच्छा। लगातार ये कहा जा रहा है कि बसपा लड़ाई में नहीं इस बार चुनाव में। ये बालामऊ की जनता इतिहास रच देगी, हरदोई जिले में सबसे ज्यादा वोटों से आपका भाई तिलक चंद पासी जीतेगा। अच्छा। हाँ। अच्छा, यहाँ की जो समस्याएं है, क्योंकि अभी देखने को मिला है कि जो सड़कें हैं वो चौड़ी नहीं हो पाई, पानी निकासी पर कोई काम नहीं हुआ, किसानों की समस्याएं अलग है उत्तर प्रदेश में, इन सारी समस्याओं से जब आप रूबरू हो रहे हैं, इसके अलावा सड़कों पर लाइट भी नहीं है, कोई भी विकास का अगर नजरिया देखा जाए तो वो नजर में नहीं आ रहा है। जीत कर आते हैं तो इस विधानसभा की जनता के लिए कितना काम करेंगे, क्योंकि ये लोग आपके साथ मौजूद हैं? सर्वप्रथम मैं 160 बालामो विधायक से विधायक बनूंगा और बहना कुमारी उत्तर प्रदेश की पांचवीं बार मुख्यमंत्री बनेंगी। सर्वप्रथम मेरा प्रयास होगा ये अच्छी सड़कें बनवाना, स्वास्थ्य सुविधाएं देना और अच्छी शिक्षा देना, और सबसे पहले हमारा प्रयास होगा ये जो छुट्टा जानवर और ये 24 घंटा हमारे किसान भाई अपने खेतों की रखवाली करते हैं, ड्यूटी देते हैं, इनको सार्वजनिक स्थानों पर एक इकट्ठा करना। अच्छा, आइए थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग। जनता के बीच जब जा रहे हैं आप, कौन कौन सी वो प्रमुख बातें हैं, कौन कौन सी वो प्रमुख समस्याएं हैं जो जनता आपसे बता रही है, वो क्या बता रही है? सबसे नंबर एक पर है छुट्टा जानवर, नंबर दो बेरोजगारी, नंबर तीन महंगाई, नंबर चार ये रोडें हमारी जो बहन जी ने हमारे शासन काल में 2007 से 2012 तक उनकी सरकार रही, उसके बाद में गांव में कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा। तो लगातार ये सरकार क्यों कह रही है, क्योंकि मैंने कई बार सरकार के नेताओं से मुलाकात करी है, मुख्यमंत्री तक पहुंचा हूं, वहां तक मुझे पता ये चला, यही कहा जा रहा है कि बीती सरकारों में जो काम नहीं हो पाया वो सारे काम हमारी सरकार ने कर दिखाए, उत्तर प्रदेश का बेहतर विकास हुआ है। और बसपा के लिए ये बोला जा रहा है कि बसपा इस बार लड़ाई में ही नहीं है, फाइट में ही नहीं है, मायावती सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रही है। ये तो परिणाम जब 10 तारीख को आएगा तब उत्तर प्रदेश की जनता बता देगी कौन कितने पानी में है। मतलब आप लोग अंदर अंदर कुछ गेम कर रहे हैं बड़ा। ये जनता का विश्वास है, बहन जी हमारी कुछ कहती नहीं वो करके दिखाती है। जो उन्होंने 2007 से 2012 में हमने गाँव घर घर जाकर अपना जनसंपर्क किया, वोट मांगा है, जो जितनी आरसीसी उन्होंने गांव में डलवाई थी आज तक किसी पार्टी ने कोई काम गांव में नहीं किया है। मतलब अंदर अंदर कुछ और रणनीति आप लोग जनता है, ये जनता है, जनता कोई बलगलाने वाला नहीं है, वो हवा चलती है तो जनता खुद समझ लेती है। इस विधानसभा की बात करी जाए तो क्या किसी से लड़ाई है, कोई लड़ाई नहीं। हम अगर 49,999 वोटों से हार जीते तो हम अपनी हार मान लेंगे। अच्छा। हम 50,000 वोटों के ऊपर जीतेंगे। अच्छा। हाँ। ये पक्का माना जाए, पक्का गारंटी है। अच्छा। ये जनता कह रही,
और जनता 10 तारीख को परिणाम बता देगी बालामऊ विधानसभा में जनता में कितना दम है। क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की जनता को, इस विधानसभा की जनता को, और नतीजे क्या होंगे? क्योंकि लगातार मैं सवाल पूरा करूं, लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि हम इस बार फिर से रिकॉर्ड जीत हासिल करेंगे 300+। सपा ये कह रही है कि हम 300+ जाएंगे। बसपा ने अभी तक इस तरह की कोई बात नहीं कही है, लेकिन नतीजे क्या होंगे आपकी नजर में? आप सब लोगों ने देखा होगा 2007 में जब बहन जी की सरकार बनी थी, तब हमारे मीडिया पत्रकार बंधु ये उनको कोई नाम नहीं ले रहा था। जब रिजल्ट आए थे 2007 में तो परिणाम दूसरा था, 219 सीटें उनकी जीती थी। 219 क्या बजाय 250 के ऊपर अब की जीतेंगे हम लोग। ये तो भाजपा तो झूठ की पार्टी है और सपा तो एक गुंडा राज की पार्टी है, एक परिवार की पार्टी है। हमारी बहन जी ने देखिए करीब 60 ब्राह्मणों को टिकट दिए, 70 मुस्लिम लोगों को टिकट दिए, बहन जी ने सर्व समाज के लोगों को टिकट दिया है और बहन जी के साथ सर्व समाज के लोग हैं। ये कोशिश करी गई थी बीच में हिजाब को लेकर के, जिन्ना को लेकर के कि चुनाव तो सब अफवाहें हैं, ये जिन्ना और पाकिस्तान से यहाँ कोई लेना देना नहीं है, ये भारत है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब एक है। क्या कहना चाहेंगे आपके जो विरोधी हैं उनके लिए? क्या विरोधियों के पास कुछ नहीं है, उनके पास तो झूठ का पुलिंदा है खाली। उन्होंने कहा था हम हर घर के, प्रधानमंत्री जी ने कहा था हमारे भारत के देश के, हम हर घर के परिवार को एक नौकरी देंगे। उन्होंने किसानों के इतनी नौकरियां दे दी हैं कि जितने खेत होंगे सबको एक एक खेत दे दिया, जाओ अपने 24 घंटा किसानों को बचाओ जाके। तो ये थे तिलक चंद, जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस विधानसभा का जो नतीजा होगा वो कहीं ना कहीं उलट फेर करने वाला है, क्योंकि ये जो जनता इनके साथ है ये देखने को साफ तौर पर मिल रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बड़ा सपोर्ट जो है वो बसपा को है, तिलक चंद जी को है, और कहीं ना कहीं इस बार ये जो नतीजा है ये उलट फेर करने वाला उत्तर प्रदेश में होगा, ऐसा इनका साफ तौर पर कहना है। अब देखना ये होगा कि 10 मार्च को नतीजे क्या आते हैं, लेकिन इनकी बात से अगर देखा जाए, अनुमान लगाया जाए, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में इस विधानसभा के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो काफ़ी अहम होता जा रहा है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं नितिन, प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।